नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएसटीडी परिवार में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1000 पेस ईयर के क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, ये उसका 32वां पार्ट है। 31 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, वनों पर निर्यात घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारे सामने 5 कथन दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहला जो कथन है कि इसे पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में समर्थन दिया गया था। दूसरा कथन दिया गया है कि यह वनों के नुकसान को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन करता है। तीसरा कथन है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। चौथा कथन दिया गया है कि यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और स्वदेशी समुदाय द्वारा समर्थित है। इसकी स्थापना के समय से ही इसकी स्थापनाकर्ताओं में से एक था। ये 5 कथन सही है या इनमें से कुछ कथन सही है, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वनों पर न्यूयॉर्क की घोषणा क्या थी और उसके अंदर किस तरह के प्रावधान थे। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा थी। देखिए, कोई भी चीज, यदि टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता है कि हाँ आप नॉर्मली उसको देख लें। देखिए, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि उसका प्रत्येक वर्ड आपके समझ में हो, आपको उसको पता हो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ही चीजें चेंज की जाती है। इतनी बेसिक रूप से चीजें चेंज की जाती हैं कि हम वो एग्जाम हॉल के अंदर वो बेसिक चीजें ही परेशान करती हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक रूप से आएगा, आपको लगेगा कि हाँ इस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ा है, इस टॉपिक को मैं जानता हूं, मैंने इसको कई बार पढ़ा है, मगर उसकी बेसिक चीजें चेंज करने से आप एग्जाम हॉल के प्रेशर के कारण आप बेसिक चीजों की वजह से ही वहां पर गलतियां कर बैठते हैं। एक कितनी छोटी सी बात थी कि वनों का न्यूयॉर्क घोषणा जो है, जो एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है, और वहां पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया जा सकता है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है। आगे बढ़ते हैं। जो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के महासचिव द्वारा प्रेरित सरकारों, कंपनियों और नागरिक समाज के बीच संवाद से विकसित हुई। घोषणा पत्र में वर्ष 2020 तक वनों की कटाई की दर को आधा करने और वर्ष 2030 तक इसे समाप्त करने और करोड़ों एकड़ भूमि को बहाल करने का वादा किया गया। वर्तमान में इस घोषणा के 200 से अधिक समर्थनकर्ता, जिसमें राष्ट्रीय सरकारें हैं, उपराष्ट्रीय सरकारें हैं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय संगठन और गैर सरकारी संगठन तथा वित्तीय संस्थान शामिल हैं। ठीक है, वनों की स्थापना न्यूयॉर्क घोषणा के समय भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। देखिए, कितनी बेसिक चीजें गलती कराई गई है। यहाँ पर बोलते गए कि वो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी था, कुछ आंकड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं यहाँ पर कि भारत इसका हस्ताक्षर करता था उस टाइम पीरियड के दौरान, उस घोषणा के दौरान। तो बहुत ही बेसिक चीजें, आपको लगा कि हाँ मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, मगर इतनी बेसिक चीजें चेंज कराई जाती हैं कि वो बेसिक चीजों की वजह से ही एग्जाम हॉल के प्रेशर के कारण वे चीजें दिमाग से निकल जाती हैं और बेसिक चीजें का हम गलती कर बैठते हैं। तो इन्हीं बेसिक चीजों को मैं बार बार आपको बताऊंगा जिससे आप भूले नहीं, और यहाँ पर जो हम 1000 टॉपिक की प्रैक्टिस करा रहे हैं ये आपके एग्जाम हॉल में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं कि हमें सही आंसर निकालना था तो हमारा आंसर क्या है। पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का समर्थन किया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वनों के नुकसान को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समरेखा का समर्थन करता है, यह भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैर कानूनी रूप से है। ठीक है, तो तीसरा गलत है। चौथा क्या है कि यह सरकारें, बड़ी कंपनियां और स्वदेशी समुदाय द्वारा समर्थित है, जैसा कि हमने वहां पर देखा बिल्कुल सही है। भारत इसकी स्थापना के समय इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, तो नहीं था। तो पांचवा भी गलत है। तो आंसर क्या निकल के आया, 1, 2 और 4, यानी कि आंसर है इसका ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो 2015 के अंदर पूछा गया था कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास जो एजेंसी है लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सेम क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देख लेते हैं क्या कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, बिल्कुल फैक्चुअली चीजें पूछी गई है। दूसरा क्या पूछा गया है कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, ये भी फैक्ट है, यानी कि आप यदि इस एजेंसी के बारे में जानते हैं
तो कुछ एक्चुअल चीजों का आपको पता होना चाहिए, या फिर कोई भी एजेंसी यदि चर्चाओं में रहती है, कोई भी कंपनी यदि चर्चाओं में है, वो किस तरह की कंपनी है उसके फैक्ट जान लीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर एक मिनी रतन कंपनी है। देखिए, कोई भी मिनी रतन या रतन कंपनी या महारतन कंपनी यदि चर्चाओं में आती है किसी वजह से भी, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा उसके फैक्ट कि वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कहाँ पर कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, कब उसकी स्थापना, कुछ फैक्चुअल चीजें उसके निकाल लीजिए, क्योंकि कैसे भी रतन क्रिएट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे वर्ष 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, जो ऊर्जा के नए और नवीनकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने और उन्हें विकसित एवं विस्तारित करने में संलग्न है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कंसेप्ट है या इसके बारे में जो नॉलेज थी वो हमने आपको दे दी है। इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों ही जो चीजें दी गई थी, कथन दिए गए थे, वो बिल्कुल सही है इसके बारे में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है सी। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, जो 2018 में पूछा गया था कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दो कथन दिए गए हैं, हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही और गलत है। देखिए, पहला कथन क्या है कि भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेवर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरा कथन क्या है कि सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है, ये फैक्ट दिया गया है। और दोनों ही फैक्चुअल कथन बनाए गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। देखिए, सिलिकॉन वेफर्स अचालक के पतले टुकड़े होते हैं जिससे क्रिस्टलीय सिलिकॉन एकीकृत सर्किट के निर्माण के लिए और फोटोवोल्टिक के सौर कोशिकाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। चीन विश्व में सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके बाद रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील का स्थान आता है। भारत सिलिकॉन और सिलिकॉन वेवर्स के शीर्ष 5 देशों उत्पादकों में शामिल नहीं है, ठीक है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण जो है वो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है, न कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा। तो भारत का क्या स्थान है किस चीज में, तो यदि कोई चीज चर्चाओं में है और भारत वहां पर क्या स्थान रखता है, थोड़ा सा इस चीज के बारे में देख लीजिएगा। और शुल्क का निर्धारण यानी तो कोई आयोग है वो कैसे उसको नियंत्रित करता है, किसके नियंत्रण के अंदर आता है, ये भी हमें जान लेना जरूरी होता है। देखिए, आंसर क्या है, ना तो नियम जो है यानी कि सौर ऊर्जा निगम इसको नियंत्रित करता है जैसे हमने देखा, तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। पहला क्या है कि प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग होने वाले सिलिकॉन वेवर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पहले 5 में नहीं आता है, तो इसलिए दोनों ही कथन क्या है, गलत है। हमें आंसर मिल चुका है, इसका आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो 2019 के अंदर पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं प्रावधान संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध और सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, निम्नलिखित में से इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं, तो आइए देख लेते हैं कि क्या अर्थ हो सकता है। पहला है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किए गए निर्णयों किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए बाध्य नहीं है, ये दूसरा कथन कह रहा है, या बी विकल्प है। सी क्या है कि देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। और डी में क्या लिखा गया है कि संघ विधान मंडल की सहमति के बिना राज्य विधानमंडल कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते हैं, तो इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, आइए ये चेक कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के 1 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकते हैं कि जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, या इस प्रकार किए गए आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में ऐसी रीति लागू करने योग्य होंगे जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा उसके तहत निर्धारण की जा सकती है। जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित नहीं कर सकता है। और इस प्रकार का जो अनुच्छेद है 142 संविधान द्वारा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को पहले से ही दी गई शक्तियों का पूरक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय किया गया है और न्यायालय अधिकार क्षेत्र या कानूनी प्राधिकारी कमी के कारण बाधित नहीं होता है।
तो आंसर क्या हो गया? आंसर होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए बाध्य नहीं है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया बी। यदि किसने भी 2019 के अंदर इस क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर दिया है, तो इसका आंसर आपको लगा के आना चाहिए था। क्या लगा के आना चाहिए था? बी इसका आंसर लगा के आना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2018 के अंदर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि एनजीटी सीपीसीबी से किस प्रकार भिन्न है। तो दो कथन दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्या वो प्रॉपर उसके भिन्न है कि नहीं है, कौन सा भिन्न है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए पहला है कि एनजीटी को एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है जबकि सीपीसीबी को सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया है। तो क्या ये सही में से भिन्न है या फिर ऐसा ही है, ये हमें चेक करना है दोनों ही अधिकरण जो है उनको चेक करके, दोनों ही बोर्डों को चेक करके। दूसरा कथन क्या क्या है कि एनजीटी पर्यावरण न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालय में मुकदमों के बोझ को कम करने में मदद करता है, जबकि सीपीसीबी जो है वो नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य देश में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। तो दो जो हमारे संघ संगठन है वो किस तरह कार्य करते हैं, किनमें संलग्न रहते हैं, दूसरा कथन इससे संबंधित है। यदि हम दोनों के बारे में जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, यदि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन फिर से आता है, रिपीट होता है, कुछ चेंजेस के साथ रिपीट होता है, तो वहां पे हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी एक वैधानिक संगठन है। जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूं बार बार कि क्या वो संगठन किस प्रकार का है, वो संवैधानिक है, वैधानिक है, सांविधिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऐसी ही बेसिक चीजें चेंज कराई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका गठन जो है वो सितंबर 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। ये फैक्ट है, ये याद रखना है आपको किस अधिनियम द्वारा और कब किया गया था, ठीक है। वायु अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। तो एनजीटी किस अधिनियम के तहत है, ठीक है, सीपीसीबी किस अधिनियम के तहत है और कब है ये याद रखिएगा, और वो किस तरह का संगठन है। देखिए हमारा फोकस सीपीसीबी पे है तो उसके कुछ कार्य देख लेते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण उपशमन के माध्यम से राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देकर जल की गुणवत्ता की निगरानी करना। दूसरा क्या है कार्य इसका कि देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण उपशमन के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार करके वायु गुणवत्ता की निगरानी करना है, ठीक है। एनजीटी पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावी एवं शीघ्र निपटान का प्रावधान करता है। जो पहला कथन है कि वो किसी कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया है, उसका भी प्रॉपर एक अधिनियम है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो भी फैक्चुअल कंसेप्चुअल जानकारी आपको मिली वो देख लीजिएगा। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एनजीटी से क्वेश्चन आता है या फिर सीपीसीबी से क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे पाए, ठीक है। तो ये टॉपिक तैयार हो चुका है, आंसर हमें इसका मिल चुका है, केवल दो यानी कि बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सूची के आधार पर है। एक और हमें सामने रखे गए हैं प्रसिद्ध मंदिर हैं और दूसरी सूची में राज्य रखे गए हैं। तो कौन कौन से सही सुमेलित हैं वहां पर स्थापित हैं या नहीं, यानी कि वहां पर उनका निवास है कि नहीं है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट है और फैक्चुअल चीजों के हिसाब से देखेंगे। देखिए विद्याशंकर मंदिर जो है वो कर्नाटक में है, राजरानी मंदिर उड़ीसा के अंदर है, केदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है और भीमेश्वर मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आइए चेक कर लेते हैं कहां पर दिए गए हैं। तो इस सूची के अनुसार जो विद्याशंकर मंदिर है, ठीक है, राजरानी मंदिर है, केंद्रीय महादेव मंदिर है, भीमसर मंदिर है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके हिसाब से आंसर क्या बैठता है, इसके हिसाब से आंसर बैठता है इसका ए, यानी कि ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है और डी का 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, ये फैक्ट आपके जो है क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, यानी कि ये फैक्चुअल चीजें यदि आपको मिल गई और सही हो जाती हैं तो ये फ्री का नंबर आपको मिल जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2018 के अंदर आया था कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है, तो कौन कौन से उद्देश्य हैं आइए चेक कर लेते हैं। पहला दिया गया है कि भारत अपने इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया है ऐसा करना चाहता है, ये इसका टारगेट है। दूसरा क्या है कि यह नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसे बड़े
आंकड़े एकत्रित करने वाली सुंदर पार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। क्या ये इनका टारगेट है? तीसरा क्या है कि हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत सारे विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई की सुविधा प्रदान करना। तो तीन उद्देश्य हमारे सामने रखे गए हैं, तीनों में से कौन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया 7 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। विशेष यानी कि इसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारों के सभी स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किए जा रहे समग्र समन्वय के साथ लागू किया जाना है। प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना और एक मुख्य उपयोगिता के रूप में नागरिक को सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में उच्च गति युक्त इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना और इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, जो वहां पर लिखा गया है। तो उद्देश्य बताया गया है, उनमें से एक उद्देश्य सही है। इसमें विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं का इंटरनेट कंपनियां और नीतिगत ढांचे की स्थापना कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि ऐसा कोई उसका उद्देश्य नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा के अंदर भीतर बड़े डेटा केंद्र की स्थापना करें, बहुत मात्रा में आंकड़े एकत्रित करें। तो ऐसा कोई भी उद्देश्य इस संस्था का यानी कि योजना का नहीं है। जो पहला दिया गया है कि हमें जैसा चाइना किया हुआ है ऐसा कुछ उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। कोई आप हमारे सीमा के अंदर हमें कोई डाटा स्थापित करवाना है, केंद्र स्थापित करना है जो हमारी विदेशी कंपनियां है, ऐसा भी सब कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरा उद्देश्य है कि हमें बहुराष्ट्रीय विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई सुविधा प्रदान करना है, आम नागरिक तो उसको पहचाना है, ठीक है। तो तीसरा सही है और सही पूछा गया है तो आंसर हो जाता है केवल 3, यानी कि 20 का आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 2013 के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता है। चार दिए गए हैं, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषण और पोर्टफोलियो निवेश। तो कौन सा है, कौन सा नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, भुगतान संचालन को 2 प्राथमिक घटकों में, एक पूंजी खाता जबकि दूसरा चालू खाता, ठीक है। चालू खाता देश की शुद्ध आय को दर्शाता है जबकि पूंजी खाता जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति को स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। तो कौन सा किसको दर्शाता है ये भी ध्यान रखिएगा। काफी बार क्या होता है इसी रूप से कुछ बेसिक कथन क्रिएट कर ले जाते हैं कि यहाँ ये इनको दर्शाता है, ये इस चीज को दर्शाता है, चेंजेस भी कर सकते हैं। पूंजी खाते के ऊपर क्वेश्चन है तो उसमें शामिल जो है मध्य देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, विदेशी ऋण है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI है, पोर्टफोलियो निवेश है, अन्य निवेश है और रिजर्व खाता है। निजी प्रेषण जो है वो चालू खाते के अंतर्गत आते हैं ना कि पूंजी खाते के अंदर। उनमें से कौन सा गलत है, निजी प्रेषण है क्योंकि ये चालू खाते के अंदर आता है, बाकी 3 सही है। इसके हिसाब से आंसर हमें सही चुनना था तो क्या चुना हमने, 1, 2 और 4 यानी कि 20 इसका आंसर है, केवल 1, 2 और 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2013 के अंदर आया है कि निम्नलिखित में से किस एक अपने प्रभाव में सार्वधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है। क्या वो लोक ऋण की चुकौती है, या बजट घाटे के वित्तीय के लिए जनता में ऋणदान है, या बजट घाटे के वित्तीय के लिए बैंकों में ऋणदान है, या बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सर्जन है। तो कौन सा है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति की दर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। बजट घाटे को वित्तीय करने के लिए यानी वित्त पोषित करने के लिए नई मुद्रा सृजन की धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, ठीक है, उसका सृजन करना पड़ेगा, नई मुद्रा का सृजन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है, यानी कि इस घटना के अंदर यदि हमें बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना पड़ेगा और उससे क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, सबसे अधिक मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना पैदा हो सकती है। तो कौन सा सही है, देखिए क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन समझने के बाद आपका 80% काम खत्म हो जाता है। यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया और क्वेश्चन समझने के बाद हमें क्या समझ में आया कि यदि हमें बजट घाटे को वित्तपोषित करना है तो नई मुद्रा का सृजन करना पड़ेगा, और यदि हमें नई मुद्रा का सृजन करना पड़ा तो उससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हो सकता है कि सबसे अधिक मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है इन चारों में से। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए कि बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, यानी कि डी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला क्या है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा क्या है
कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक कोई भूमिका नहीं होती है, क्या ऐसा है? काफी बार तो क्वेश्चन इतने नॉर्मल आते हैं, इतने बेसिक आते हैं कि खत्म पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ये सही है कि नहीं है, यदि आपने नॉर्मल तैयारी भी की होती है। ठीक है, सी में क्या दिया गया है कि मुद्रा परिसंचरण में कमी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। काफी बार कुछ जो वर्ड होते हैं बेसिक वर्ड वो भी प्रॉब्लम कर देते हैं, जैसे कि परिसंचरण दिया गया है, थोड़ा पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे तो इन वर्डों का फैलाना, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि रक्त हमारी जो कोशिकाओं के अंदर रह जाता है ऑक्सीजन को फैलाता है, तो ऐसा ही मुद्रा को फैलाना इसका काम है, परिसंचरण करना। ठीक है, डी में क्या है कि बढ़ी हुई मुद्रा परिसंचरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना भारत सरकार और आरबीआई दोनों की जिम्मेदारी होती है। घटी हुई मुद्रा आपूर्ति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा होता है, तो बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद नहीं करती है बल्कि मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगी मुद्रा परिसंचरण में कमी होती है, यानी कि उसका विस्तार में, उसके फैलाव में कमी होती है, उसकी आपूर्ति में यदि कमी होती है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। तो आंसर हो जाता है इसका सी, इसका आंसर हो जाता है। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। आप हमसे कुछ अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।